नमस्कार, जय सेवालाल। आप देख रहे हैं बंजारा लाइव। मैं हूं आपके साथ आदेश राठौर। आज के इस खास मुलाकात में इंटरनेशनल प्लेयर प्रदीप जाधव, जो कराटे और ताइक्वांडो में बहुत सारे मेडल जीत चुके हैं, उनका हमारे इस खास बंजारा लाइव के कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। आज बंजारा समाज को गर्व होना चाहिए कि एक गरीब परिवार के लड़के ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह मुकाम हासिल किया है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि उनका अब तक का यह सफर कैसा रहा। प्रदीप जी, आपका इस खास कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले अगर आप अपने परिवार के बारे में बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नमस्कार, मैं प्रदीप जाधव एक साधारण किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली एक साधारण फैमिली है। पेरेंट्स मेरे पापा जी 2002 में डेथ हो चुके, उसके बाद में मम्मी जी ने संभाला हमें। यहाँ तक मम्मी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस खेल में आपकी शुरुआत कैसे हुई और इसमें आप इसमें रुचि कैसे दिखाई, उसके बारे में अगर बताएंगे तो अच्छा रहेगा। जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था, तभी मेरे एक टीचर से, जो क्लास टीचर थे मेरे विनय वैरालकर सर, जो स्पोर्ट टीचर थे, उन्होंने मुझे पहले खेलते हुए देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि तू स्पोर्ट में करियर कर और इसमें तू अच्छा करियर कर सकता है, ऐसे उन्होंने बताया। तभी से लेके मैं आज तक स्पोर्ट कर रहा हूँ। मतलब आप अपने कोच के गाइडेंस से अपने इस खेल में आने के लिए आपने सोचा? यस, डेफिनेटली। तो अभी तक इस सफर में आपने कौन से मेडल जीते हैं? आज तक तो ओ स्पोर्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, ताइक्वांडो चैंपियनशिप, 2012 का टाइटल मेडलिस्ट हूँ महाराष्ट्र स्टेट से। बहुत सारे ऐसे प्रतियोगिता है कि जिसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मतलब इस स्पोर्ट्स के लिए आपको कौन से देश में घूमना पड़ा? जैसे भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, ऐसे बहुत सारे कंट्रियों से खेलना पड़ा। जैसे अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ था मेरा ग्रेटर नोएडा में, सबसे पहला जो ईरान के फाइटर थे, जहाँ पे बहुत सारा अनुभव आया मुझे वहाँ तक इंटरनेशनल चैंपियनशिप का। बहुत से कंट्री है कि घूम के आ चुका हूँ, खेल के आ चुका हूँ। अगर आप खेल के बारे में डिटेल्स बता सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि ये कराटे खेल क्या है और ताइक्वांडो क्या है। कराटे देखा जाए तो सेल्फ डिफेंस है, जैसे कि खुद का संरक्षण करने के लिए ज़्यादातर यूज कर सकते हो। ताइक्वांडो एज अ ओलंपिक गेम है, किकबॉक्सिंग ये भी गेम है, जो कि खुद के संरक्षण के लिए यूज किया करते थे, मगर आज वो स्पोर्ट में कन्वर्ट हो चुका है, इसीलिए उसको ज़्यादातर करियर के हिसाब से देखा जाता है आजकल। और ये गेम खुद को डेवलप करने के लिए है। तो प्रदीप जी, इस खेल में आगे जाने के लिए आपको बहुत सारी कठिनाइयां आई होंगी, आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े बड़े खिलाड़ी से आपकी फाइट भी हुई होगी, तब आपने क्या सोचा था कि आगे इतने बड़े लेवल पे आप जब खेल रहे हो तो आपके मन में कौन से विचार आते थे? बस मेरे मन में एक ही विचार आता था कि मुझे खेलना है, मुझे आगे जाना है। मेरे समाज में ऐसा आज तक कोई प्लेयर नहीं था, तो मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे बंजारा समाज में मेरी पहचान हो, इसीलिए मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि मुझे जीतना है और मेरे देश के लिए, मेरे लिए। जब आपने इस खेल की शुरुआत की थी तब आपकी उम्र क्या थी? जब मैं इस गेम में आया था करीबन 12 साल का था, तभी से मैं गेम स्टार्ट किया था। अभी तो 10-12 साल हो चुके इसी गेम में हूँ। तो तब आपको लगा था कि आप ये मुकाम हासिल कर पाएंगे? जब आप 12 साल के थे नहीं, तब आपने सोचा था कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल वगैरह जीत के लाऊंगा? नहीं, ऐसे सोचा नहीं था। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तो एज अ कोच मेरे जो दीप्ति थोरात मैम थी, उन्होंने बताया कि तू बहुत कुछ कर सकता है, इस गेम को आगे कंटिन्यू कर। उसके बाद में प्रमोद फुलसुंदर सर, जो मेरे नेशनल कोच थे, उन्होंने भी मुझे बताया कि तुम्हारे अंदर स्किल है, अब इसको डेवलप करो, खुद को प्रूव करो। ऐसा नहीं कि सब कुछ करने से नहीं होता, तुम अगर मंजिलें चाहिए तुम्हें तो रास्ता खुद ही मिल जाता है, उन्होंने मुझे गाइडेंस किया। उसके बाद में अरविंद सालवे सर, जो एशियन चैम्पियन है, MMA के टॉप फाइटर है, उन्होंने मुझे बताया इज़ अ रियल फाइटर हो, आप फाइटर हो, फाइटर की तरह रहो। तो आप अभी जिस गांव में रहते हो वहां के लोग आपसे क्या आशाएं करते हैं? जिस गांव में रहता हूं उस गांव की आशाएं तो मेरे से बहुत सारी है। जैसे कि मेरे गांव छोटा सा गांव है, 110 घर की लोग बस्ती है, उसमें करीबन पेरेंट्स की मेरे ही खुद के पेरेंट्स ने सुसाइड किया था। आज मेरे गांव में जो यूथ है
वो भर मतलब रास्ता चूक रहा है, गलत ट्रैक पे जा रहा है। प्रदीप जी, आपने हमको बताया था कि तुम्हारे घर की जो परिस्थिति है वो काफी विकट है, जैसे कि आपने बताया था कि आप पढ़ते पढ़ते और ये स्पोर्ट्स की तैयारी करते करते आपको होटल में भी काम करना पड़ता था, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली बताएंगे। सो मैं 7वीं 7वीं कक्षा में था, तभी मेरे मॉम फाइनेंशियल कंडीशन कुछ अलग थी, क्योंकि घर में कोई करने वाला नहीं था, मॉम के भरोसे ही सब कुछ चलता था। मॉम ने बोला कि अभी बेटा पढ़ाई मत करो, क्योंकि अभी मैं खर्चा नहीं उठा सकती, तो उन्होंने मुझे सन्नी चाइनीस पे वर्किंग के लिए भेज दिया। छोटा था 7वीं स्टैंडर्ड में, तो वहाँ पे मैं क्या बोलते हो, बर्तन धोने का काम किया करता था। हमारे बंजारा समाज के युवा लड़कों को यह आदर्श लेना चाहिए, जो होटल में बर्तन धोके और यह उन्होंने मुकाम हासिल किया आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। प्रदीप यादव जी से कुछ सीखना चाहिए उनको, यही हम सभी युवकों को आह्वान भी करेंगे। तो प्रदीप जी, तो यहाँ तक तो सफर आपका ठीक है, लेकिन इसके आगे आपको क्या करने का इरादा है और इसमें कौन सी कठिनाई आपको आ सकती है? डेफिनेटली कठिनाई तो बहुत सारी है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल कंडीशन बैड है, क्योंकि पेरेंट्स तो सपोर्ट, मॉम तो कर नहीं सकती, घर में भी कोई करने वाला कोई नहीं है। सो मुझे ओलंपिक जैसे गेम, बड़े गेम की तैयारी करनी है, तो उसके लिए जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत सी लो है, जो बहुत से फंड लगते हैं, जैसे डाइट, रहना, खाना, ये सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई स्पॉन्सर मिल जाए अच्छा सा, तो खुद को डेवलप करके ओलंपिक जैसे गेम में मेडल लाऊं। तो ये जो आप ओलंपिक गेम की बात कर रहे हैं, तो ये ओलंपिक गेम कब होने वाला है? अभी फिलहाल तो फर्स्ट टाइम कराटे ये ओलंपिक में आया है, 2020 में इसका है, तो अभी इसके उससे पहले जो ट्रायल्स होते हैं, एशियन होते हैं, वो मुझे खेलना है। उसके लिए जो फंड है अभी तक फिलहाल तो नहीं है, इसीलिए चल रही कोशिश तो जारी है। तो आपको ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ओलंपिक में क्वालिफाई करने के लिए जैसे कि नेशनल सेमिनार हो, इंटरनेशनल सेमिनार हो, उसके लिए मुझे वहाँ प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वो सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, रूल्स रेगुलेशन देखना पड़ेगा। जब तक वो ना करूँ तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए उसको फॉलोअप करना मुझे ज़रूरी है। तो देखिए प्रदीप जी, अगर ओलंपिक की आपको तैयारी करनी है तो आपको थोड़ा सा खर्चा तो उठाना पड़ेगा। यस। तो ये खर्चा किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलता है, बाहर से मिलता है कि कोई आपका स्पॉन्सर है? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई नहीं है और गवर्नमेंट से भी कुछ ऐसा मिलता नहीं है, बट कोई अच्छा सा स्पॉन्सर मिल जाए तो ज़रूर हो जाएगा। मुझे लगता है कि अभी आने वाले वक्त में कुछ बदलाव हो जाएगा। तो ये अगर आपको फाइनेंशियल सपोर्ट कहीं से मिल ले रहा है, आपके पास स्पॉन्सर नहीं है, कोई गवर्नमेंट भी आपकी कोई मदद नहीं कर रही है, तो ये सफर कैसे तय करेंगे फिर आप? ये ओलंपिक तो बहुत ही बड़ा गेम होता है और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो इसको कैसे आप हैंडओवर करेंगे, कैसे हैंडल करेंगे? जैसे जो भी आज तक करते आए मेहनत करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी है मेरे से हो सकता है वहाँ तक कोशिश करेंगे। जैसे समाज में अगर कोई हेल्प करने वाला हो, जैसे समाज के बहुत सारे नेताओं है कि जो मदद करते हैं, सुना है वैसे, अगर शायद उन्होंने किया तो हो सकता है, नहीं तो अपना चल जो है। मतलब आप बंजारा समाज के नेताओं से, समाज सेवकों से आप ये आशा करते हैं कि उनसे कुछ मदद मिल जाए, ताकि आप ये आगे का सफर बहुत ही अच्छी तरीके से तय कर पाए। तो ये आप बंजारा समाज से हो, बंजारा समाज पे आपके गर्व करता है कि आप इतने बड़े लेवल पे आज खेल रहे हो, तो इस बंजारा समाज के लिए आपका मैसेज क्या है, क्या बंजारा समाज के युवकों को क्या बताना चाहेंगे? मैं बंजारा समाज के हर युवकों को यही बताना चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कुछ हम कर नहीं सकते। एजुकेशन हो, एजुकेशन में सबसे पहले कि हमारा समाज बहुत पीछे है एजुकेशन सिस्टम में, तो उसको बिल्डअप करने के लिए खुद को प्रूव करना है और एजुकेशन की तरफ ध्यान देना है बंजारा समाज के युवकों को। और रही समाज में बहुत सारे डिमोटिवेशन आते हैं, जैसे समाज हमारा बहुत पीछे है, तो उससे दूर रहे और अपना ट्रैक सही तरीके से जो सही है उसके ऊपर ही चले और समाज को एक नई दिशा दे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम ने खुद की रास्ता खुद बनाया, वैसे हमारे ही समाज में वसंत राव नाइक जी ने खुद तो इतने बड़े हरित क्रांति के मंत्री हो चुके हैं, उनके कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए। बहुत सारे है कि जो हमारे समाज को दिशा दे रहे, उसी तरह से हमें भी चलना चाहिए और समाज को दिशा देना चाहिए। प्रदीप जी, आपका कहना है कि जिस तरह वसंतराव नाइक ने समाज के लिए कार्य किया, हाँ, उसी कार्य को
हमारे बंजारा युवकों ने आगे बढ़ना चाहिए। यस, यह मैसेज आप बंजारा समाज को दे रहे हैं। ठीक है, हमारे इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय शवल। अगर इसी तरह के कार्यक्रम आपको देखना है तो आप हमारे बंजारा चैनल को लाइक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और उस पर जरूर आप कमेंट कर सकते हैं। आप हम आपके कमेंट के जरिए लोगों तक जो मैसेज है वो पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। जो भी कोई आज समाज में प्रदीप जाधव जैसी घटनाएं हो रही है, जैसे कि आज का ये युवक इतने बड़े लेवल पे आज खेल गया है, फिर भी समाज में आज उनको दुर्लक्षित किया जा रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, तो मैं सभी युवकों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप भी प्रदीप जाधव जैसे आगे आइए और ये समाज की ये जो समस्या है ये हल करने की आप कोशिश कीजिए।